आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले पीडब्ल्यूडी संघ भवन में आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। इस मौके पर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री संगीता आर्या ने बताया कि 20 ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहायिकाओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं उसी पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एसोसिएशन की पदाधिकारी मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री संगीता आर्य ने कहा, भली बात अवगत है कि जो हमारी समस्या विभागीय लगातार हमने शासन और संबंधित विभागीय अधिकारी अन्य संबंधित संचालन करने के अधिकारी ये भी समस्या है कि व्यक्तिगत और व्यवहारिक कि उनके मन में ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पैसा निकाल करके ये बंदर बांट करके खा जाती है, चोरी कर लेती है, चोरी कर रहे हैं। तो आप स्वयं इस पैसे का ट्रांजैक्शन अपने स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाते में ना करके खुद ही प्रधान के खाते में से हटा करके और हेडमास्टर के खाते में कर दें। हमारा नाम संगीता आर्या है और हम आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की जिला संयुक्त मंत्री हैं। धरना नहीं है, एक बैठक है हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की। ये पूरे बीसों परियोजनाओं की सभी पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके संदर्भ में आज हमने यहाँ एक बैठक रखी है। मुद्दे हमारे यही हैं कि जैसे हमारे यहाँ हमारे हर क्षेत्र में हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और प्रधान के संयुक्त खाते में सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के तहत हॉट कुक का पैसा आता है और इसको निकाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और प्रधान को खाना बनवाना होता है जो आंगनबाड़ी सेंटर पे बच्चे आते हैं। दूसरा मुद्दा है कि आधार कार्ड की फीडिंग के ऊपर सरकार हमको 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देना उसको देना है, और जबकि गांव में लाभार्थियों का आधार कार्ड लगभग ना के बराबर छोटे बच्चों का बना है। गर्भवती और धात्रियों का आधार कार्ड मिल जाता है, मगर जो छोटे बच्चे हैं 6 माह के 7 माह के 3 वर्ष के 2 वर्ष के इन बच्चों का आधार कार्ड ना के बराबर बना है। जितने भी आधार कार्ड बने हम लोगों ने समय समय से उसकी फीडिंग के लिए अपने कार्यालय पर उसकी सूची बना करके जमा की है, मगर अब क्या हो रहा है कि हर महीने उस आधार कार्ड की फिटिंग के लिए हमसे इस जनवरी माह में लगभग 3 बार रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। पहले बार में सुपरवाइजर द्वारा ये हमें सूचना मिली कि एक रिपोर्ट ये बनाई जाए कि जिसका आधार कार्ड नहीं बना है उन लाभार्थियों की सूची बनाई जाए। हमने वो सूची बना के कार्यालय पर जमा की। फिर उसके एक हफ्ते बाद ये हुआ कि जिन बच्चों का आधार बना है या जिन गर्भवती धात्री का ओरिजिनल आधार है उसको हमको फोटो कॉपी सहित सूची बनाकर उसको ऑफिस पर जमा कर है। हमने वो भी किया, घर घर जा करके हमने आधार कार्ड की फोटो कॉपी जुटाई और उसको कार्यालय पर जमा कर दिया। बैठक में ये है कि सभी की और भी बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी समस्या है जिनके संदर्भ में हम एक ज्ञापन बनाएंगे और संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे और उनसे अपनी समस्याओं के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि इसके लिए हम आगे क्या करें और कैसे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके।